किनके जीवन के अंदर परिवर्तन आया, वो जम्मू कश्मीर के शेड्यूल ट्राइब से पूछिए, जिनको राजनीतिक आरक्षण मिल गया जिसके कारण से वो एम्पावर्ड हो गए। जम्मू कश्मीर के उन ओबीसी से पूछिए जो अपने संविधान प्रदत्त अधिकारों का उपयोग पहली बार करेंगे, और पहली बार जम्मू कश्मीर के अंदर इन सारी जातियों को छांटने के लिए कमीशन बना। आने वाले कुछ समय में जब उसकी रिपोर्ट आएगी तो पहली बार पूरे देश के अंदर ओबीसी एससी एसटी को लेकर जो एक स्पष्ट तौर पर उनके अधिकारों को उपयोग करने के लिए जो पहला काम होता है उनको छांटने के लिए कमीशन बनना, उसका काम पूरा होगा और पहली बार ऐसी सब जातियां सोशली और इकोनॉमिकली एम्पावर्ड। पहली बार लोकतंत्र की मूल भावना के अनुरूप वास्तविक प्रतिनिधित्व होगा, क्योंकि वो डिलिमिटेशन वो जम्मू कश्मीर के नेताओं की सनक पर होने वाला नहीं है। अभी अभी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हुआ, जिस त्रिस्तरीय पंचायत को इस सो कॉल्ड गुपकार गैंग ये सब नेताओं को जिसका उत्तर मिला, जिनको अपनी वास्तविकता का मौका मिला देखने का, जब लोगों ने वहां पर बिना किसी हिंसा के निर्वाचित पंच और सरपंच और बाद में जब जिला परिषद के चेयरमैन बने तो उसमें अनुसूचित जाति के भी थे, जनजाति के भी थे। वास्तव में पहली बार जम्मू कश्मीर में 50 नेता नहीं, जम्मू कश्मीर के 130 लाख लोग एम्पावर्ड हो गए। यह 130 लाख लोगों को भारत के संविधान के सब प्रोग्रेसिव जो लॉज हैं और जो हमारे संविधान के अंदर जो एक लगातार विकास हो रहा है उसके लाभों से और एक प्रकार से हुबहू जीवन में लाने का अवसर प्राप्त हुआ। जम्मू कश्मीर के वो सैनिक, जम्मू कश्मीर में जिन सैनिकों ने बलिदान हुआ पर उनके बच्चे वहां जाकर 2 इंच जमीन नहीं खरीद सकते थे,